मध्य काल में जो चित्रकला का ज्यादा विकास हमें दिखता है वो है मुगल में। अगर मुगल चित्रकला की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या थी पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद सेकंड, राजा, अलग अलग राजाओं के समय, चाहे हुमायूं हो अकबर हो, उनके समय क्या क्या चीजें विकसित हुई। तो हुमायूं अकबर जहांगीर, इनके समय विकास कैसे हुआ, और फिर उसके बाद इनके साथ ही कुछ प्रमुख चित्रकार जो मुगल काल में काफी ज्यादा फेमस हुए, उन प्रमुख चित्रकार के बारे में जानेंगे और साथ में उन्होंने जो चित्र बनाए उसके बारे में जानेंगे। तो अगर मुगल की विशेषताएं करें कि भाई इन्होंने कैसे चित्र बनाए, इनके चित्रों में कुछ खासियत मिलती हैं। पहला, इन्होंने बहुत सारी चीजें ईरान ईरान में जो चित्र बनते थे वहां से लिया, साथ में यूरोपियन, क्योंकि तो यूरोपियों का आना भारत में स्टार्ट हो गया था मुगल काल में, तो यूरोपीय लोगों के द्वारा जो चीजें की गई वो भी इसमें दिखता है, और साथ में भारत में राजपूत कला, राजपूत लोगों का काफी प्रभाव आप अकबर के टाइम, जहांगीर के टाइम मुगल चित्रकला में देख सकते हैं। तो इन्हीं परंपराओं के साथ मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई। तो मुगल चित्रकला में इन तीनों चित्रकलाओं का प्रभाव आप देख सकते हैं। और चित्र जो बनाए गए वो भित्ति चित्र, मतलब दीवार पर, ये हमने उसमें भी जाना था अजंता, और उसमें तो भित्ति चित्र या दीवार पर चित्र यहाँ पे ज्यादातर दिखते हैं। साथ में कपड़े, कपड़े के ऊपर जो चित्र था वो भी इन्होंने काफी बनाए। कई बार हमें दिखेगा कि कैसे कपड़ों पर जहांगीर का चित्र है, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। और इन चित्रों में कलर जो था या रंग, उसका भी काफी ज्यादा प्रयोग आपको दिखेगा। राजपूत चित्रकला में गहरे रंगों का काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही आप लोगों को इनके यहां भी दिखेगा, गहरे रंगों का उपयोग करेंगे, जिसमें लाल, पीला, राजस्थान में आप देखेंगे कलरों का काफी ज्यादा महत्व है, चाहे वो वस्त्र पहने या उनके त्योहार हो, उसी चीज का प्रभाव इन लोगों पे भी पड़ेगा। साथ में राजपूत कला का एक प्रभाव ये पड़ेगा कि राजपूत कला के जो लोग हैं वो चौड़े ब्रश का यूज करते हैं, चौड़े ब्रश का उपयोग ये लोग भी करेंगे। साथ में यूरोपियन का प्रभाव ये पड़ेगा, यूरोप में व्यक्ति का चित्रण काफी ज्यादा किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को काफी ज्यादा दिखाया जाता है, तो व्यक्ति विशेष का वर्णन भी आपको चित्रों के माध्यम से मुगल चित्रकला में दिखाई देगा। और ईरान का जो एक फेमस चीज था, उनका एक हैरात, एक क्षेत्र है ईरान में, वो काफी ज्यादा फेमस है। और यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम था बेहजाद, उसने काफी ज्यादा चित्रकला को काफी ज्यादा फेमस किया। और ये आज के टाइम अगर देखें तो अफगानिस्तान में आपको दिखाई देता है, जहां पर तालिबान रूल करता है। तो इस हैरात में काफी ज्यादा दरबारी शानो शौकत, दरबारी शानो शौकत दिखाई देती है, और उसी का प्रभाव आपको मुगल चित्रकला पे भी दिखेगा। मुगल चित्रकला में भी अकबर के चित्र मिलेंगे, साथ में जहांगीर की जो आत्मकथा है, तो जो ए जहांगीरी, उसका मुख्य पृष्ठ है, उसमें भी आपको दिखेगा कि कैसे एक राजा को दिखाया गया है। तो दरबार की शानो शौकत, वो सब भी प्रभाव ईरान से इन्होंने लिया, जहां पर प्रतिदिन यूज में की जाने वाली चीजें वो सब मिलेंगी। और यूरोप की एक और खास बात, व्यंग, व्यंगात्मक चित्र यूरोप में काफी ज्यादा बनते हैं।
क्रिटिसाइज थोड़ा सा करते हैं। वो चित्र आपको यहाँ पे भी दिखेंगे, जैसे मजनू को दिखाएंगे दुबले पतले घोड़े के साथ और मजनू बेचारा घूम रहा है। थीम मुस्लिम से ही जुड़ी होगी, लेकिन उसमें व्यंग्यात्मक तरीके से चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले बाबर को विकसित होंगी हुमायूं के टाइम में, तो बाबर को ज्यादा समय मिलता नहीं है, बाबर लड़ने में ही या सत्ता को एक जगह इकट्ठा करने में रह जाता है। हुमायूं के टाइम से आपको चित्रकला दिखती है मुगल की, और हुमायूं के समय एक प्रसिद्ध चित्रकार जो काफी ज्यादा फेमस हुआ उस समय, ख्वाजा अब्दुल समद। ख्वाजा अब्दुल समद ये काफी ज्यादा फेमस एक चित्रकार, और इसने चावलों के दाने पर एक खेल जिसे लोग उस टाइम बहुत ज्यादा खेलते थे, चौगान, उसकी चित्रकारी की दर्शकों के साथ, मतलब पूरा मैदान बना हुआ है साथ में दर्शक भी हैं, ये सब ख्वाजा अब्दुल समद ने चावलों के दाने पे किया, तो इनका ये वाला चित्र काफी ज्यादा फेमस हुआ जो हुमायूं के काल में हुआ। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार में थे, तो हुमायूं के दरबार में थे, और इनका एक फेमस चित्र चावलों के दानों पर चौगना के खेल का दर्शकों सहित वर्णन, या चौगना का खेल का इन्होंने पूरा चित्रण किया। इसलिए हुमायूं के समय ख्वाजा अब्दुल समद को काफी ज्यादा फेमस भी हुए और इनका ये चित्र काफी ज्यादा जाना भी जाता है। हुमायूं के बाद अकबर का समय आया, अकबर को काफी ज्यादा लगाव था चित्रकारी से। अकबर खुद बेशक शिक्षित नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट जरूर रखता था। शिक्षा लेने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि तो जब हुमायूं ईरान की तरफ चला गया, जब शेरशाह सूरी ने उसको हराया, तो अकबर का लालन पोषण मेहमान आरा जो उनकी आया थी उन्होंने एक तरीके से किया, तो इसलिए अकबर को समय नहीं मिला। लेकिन जब वो राजा बना तो उसने बहुत सारी चीजों को काफी ज्यादा प्रमोट किया, और इसी में एक बड़ा योगदान इसने मुगल चित्रकला में दिया। और अकबर कहता था चित्रकला एक ऐसी कला है जिसके द्वारा आप ईश्वर को जान सकते हो, ईश्वर या अल्लाह को जानने का अच्छा तरीका है चित्रकला। तो किसी ने पूछा कैसे, बोले हर चित्रकार को एक बात पता है, वो चाहे कितना भी सुंदर चित्र बना ले लेकिन उसमें जीवन नहीं दे सकता। हम चित्र तो बना सकते हैं लेकिन चित्र में क्या जीवन है, सुंदर चाहे कितना भी लगे। और इससे हमें पता चलता है कि जिसने भी हमें बनाया है वो बहुत बड़ा अच्छा कलाकार है, कि उसने सिर्फ चित्र नहीं बनाया, उसमें जीवन भी दिया, उसमें इंद्रियां दी, उसमें मानसिक चेतना दी। इसलिए अकबर कहता है चित्रकला एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप ईश्वर को या अल्लाह को जान सकते हो। और फिर अकबर ने अपने टाइम ईरान, यूरोपीय और राजपूत कला का उपयोग करते हुए बहुत सारे चित्र बनवाए, और इसके समय दो फेमस चित्रकार हुए, एक था दशावंत
या दसवंत, ये काफी फेमस चित्रकार हुआ अकबर के दरबार में। और इसने एक चित्र बनाया रज्मनामा, रज्मनामा एक पुस्तक। उस पुस्तक को पूरा चित्रों के माध्यम से समझा दे। और रज्मनामा एक पुस्तक है जो महाभारत की कहानी को दर्शाती है। तो दशवंत ने पूरी महाभारत की कहानी को रज्मनामा चित्रण में चित्रों के साथ दर्शा दिया, जिसमें अलग अलग सीन, चाहे युद्ध का सीन हो या 5 पांडवों का वनवास जाना हो या द्रौपदी का चीरहरण हो, वो सारी चीजें दशवंत ने चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की। तो इससे पता चलता है कि दशवंत कितना अच्छा चित्रकार था। एक और चित्रकार जो अकबर के समय काफी ज्यादा फेमस हुआ, उसका नाम है बसावन। बसावन ने भी कुछ ऐसी चित्रकारी की। और बसावन ने जो चित्रकारी की, इसने यूरोपीय जो चित्रकारिता था उससे कुछ चीजें सीखी। और यूरोप में हमने देखा कि काफी ज्यादा व्यक्ति विशेष और व्यंग, इस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया था यूरोप में। जैसे आपने सुना भी होगा, जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ, तो उस टाइम थोड़ा सा यूरोपीय मीडिया ने मजाक लेते हुए दिखाया था, एक किसान है, उसके पास एक बैल है, उसको लेके वो जा रहा है चंद्रमा पर। तो व्यंग्यात्मक चित्र एक तरीके से दिखा रहे थे भारतीय समाज के बारे में। तो उनकी आलोचना करने की या व्यंग करने की आदत होती है। वैसा ही प्रभाव आपको दिखेगा चित्रकारी में जो बसावन ने किया। और राजपूत चित्रकला जो कलर के लिए फेमस है, उछलते कूदते पक्षियों के लिए फेमस है। और यूरोप के अलावा ईरान की जो चित्रकला है वो फेमस है राज दरबार की शानो शौकत के लिए। तो बसावन जो चित्र बनाता है वो व्यंग व्यंग के चित्र बनाता है। और इसने, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी लैला मजनू की, तो मजनू लैला को पाने के लिए बहुत सारी चीजें करता है। और बसावन ने एक चित्र बनाया, मजनू रेगिस्तान में जा रहा है और मजनू के पास ना पानी है ना कुछ है, एक घोड़ा है बस मजनू के पास। और वो घोड़ा भी बेचारा दुबला पतला, मजनू भी पतला, घोड़ा भी दुबला पतला। तो एक तरीके से मजनू पर व्यंग किया गया कि मजनू की तो हालत अब खराब होने वाली है। तो ऐसे अकबर के समय दसवंत और बसावन ने मुगल चित्रकला को कुछ शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन और ज्यादा स्वर्णिम काल अगर हम कहें मुगलों की चित्रकला का, तो वो हुआ जहांगीर के समय। जहांगीर के समय सबसे अच्छे चित्र मुगल काल में आपको दिखेंगे। जहांगीर खुद एक चित्रकार था। और जहांगीर के बारे में बोला जाता है कि जहांगीर को अगर अलग अलग चित्रकार मिलके एक चित्र बनाए, तो जहांगीर को इतनी परख होती थी ये चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। मतलब बड़ी बारीकी से उसने चित्रकला को जाना। तो जहांगीर जो अकबर का बेटा है, उसके समय मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल आया। तो आप कह सकते हो इनका काल स्वर्ण काल था। और इनके समय बहुत सारे चित्रकार काफी ज्यादा फेमस हुए। और इसने चित्रकला को विकसित करने के लिए चित्रकला विभाग वो बनाया। जैसे अभी हमारे देश में मंत्रालय होते हैं, ऐसे इन्होंने चित्रकला को विकसित करने के लिए चित्रकला विभाग बनाया।
पर इस चित्रकला के जो प्रमुख हैं उसको भी रखा प्रमुख पद पर, अकारिज को बैठाया। और ये सब हुआ आगरा में। आगरा ही उस टाइम मुगलों की राजधानी थी। तो आगरा में अकारिज ने के नेतृत्व में चित्रकला विभाग जहांगीर के समय बना। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुगलों के समय चित्रकला विभाग किसके समय बना, तो वो ना जहांगीर के समय, क्योंकि उनका स्वर्णिम काल था। इनके यहाँ चित्रों की जो शैली है वो शैली वही होंगी, या तो यूरोपीय होगी जिसमें व्यक्ति विशेष का चित्र, व्यंग्यात्मक चित्र, या फिर राजपूत शैली जिसमें कलर, उछलते कूदते पशु पक्षी, या फिर ईरानी शैली जिसमें शानो शौकत दरबार की। इन तीनों का मिक्सचर ही होगा। लेकिन इनके यहाँ जो सबसे प्रमुख है वो है रूपवादी शैली, मतलब व्यक्ति विशेष का चित्रण। जहांगीर खुद अपना चित्र बनवाएगा और चित्रों को यथार्थवाद में रखेगा। बोलेगा जो है वैसा ही दिखाओ, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसा राजा दिखता है ऐसा दिखाओ, राजा के आने से पृथ्वी हिल जाती है ऐसा कुछ मत दिखाओ। और इसके यहाँ चित्र शिकार के, दरबार, आम जनता, इन सबके चित्र आपको दिखेंगे। और यूरोपियों से प्रभाव लेते हुए जो ईश्वर है उसे पंख के साथ दिखाया जाएगा। आप देखेंगे जो क्रिश्चियनिटी है उसमें ईश्वर को पंखों के साथ दिखाया जाता है। जैसे एक उनका एक ईश्वर है मरियम, मरियम जी ईश्वर हैं, आसमान में उड़ते रहते हैं, इंसानों की तरह लेकिन उड़ते बहुत हैं। तो ये सारा चित्रण भी इनके यहाँ दिखता है। और साथ में एक नई शैली मोरक्का शैली भी चित्रण की दिखती है। इस शैली में क्या होता है, एक फ्रेम, जैसे आजकल हम फ्रेम बनवाते हैं, बीच में एक चित्र होगा, ये बीच में एक चित्र है। और इसके चारों तरफ अलग अलग डिजाइनिंग, इसी को कहते हैं मोरक्को शैली या मोरक्का शैली। तो बीच में मुख्य चित्र, चारों तरफ उस फ्रेम में डिजाइनिंग, ऐसा चित्रण भी आपको जहांगीर के काल में दिखेगा। और साथ में इनके समय जो सबसे ज्यादा फेमस हुई लघु चित्रकला, छोटे छोटे चित्र, ज्यादा बड़े नहीं, जो स्टार्ट तो अकबर के टाइम ही हो गई थी लेकिन उसको शिखर पर पहुंचाया जहांगीर। और जहांगीर के समय कुछ फेमस चित्रकार जिन्होंने काफी ज्यादा चित्रकला को आगे बढ़ाया। तो जहांगीर के समय कुछ फेमस चित्रकला हो, फेमस जो चित्रकार हुए उनमें कुछ प्रमुख चित्रकार और उनके कार्य को मिलाने के लिए कई बार पूछा जाता है, क्योंकि जहांगीर के समय के चित्रकार बहुत अच्छे तरीके से चित्रकारी करते थे और उनके चित्र काफी ज्यादा फेमस है। तो इनके यहाँ प्रमुख चित्रकार जो जहांगीर के समय रहे उनमें पहले हैं मंसूर, मंसूर ये सबसे पहले हैं। और इनको जो शौक था चित्र बनाने का वो था पशु पक्षी। पशु पक्षी का चित्र
काफी ज्यादा बनाते थे, ये इनको बड़ा शौक है। तो पशु पक्षियों का चित्र बनाने में इनको बड़ा मन लगता है। और साथ में रंग के बारे में काफी बारीकी से जानते हैं, मतलब किस पशु पक्षी का रंग क्या है, पीछे बैकग्राउंड क्या दिखाना है, उसकी कला इनकी बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ थी। और इनका एक चित्र लाल फूल काफी ज्यादा फेमस हुआ, लाल फूल चित्र इन्होंने बनाया। और बोला जाता है अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ, अगर किसी ने किसी पुष्प का चित्र बनाया है तो वो है लाल फूल, जिसे बनाया मंसूर ने। प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों को बड़ी बारीकी से समझ के इन्होंने ये सारी चीजें की, और ये काफी ज्यादा फेमस हुए जहांगीर के समय। मंसूर के अलावा और चित्रकारों में अबुल हसन, ये भी एक फेमस चित्रकार जो जहांगीर के समय हुए, और इसने जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए बा जहांगीरी, तुजुक मतलब होता है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, तुजुक ए जहांगीरी, इसका मुख्य पृष्ठ बनाया, मेन जो भाग है वो बनाया अबुल हसन ने, जिसमें दिखाया गया है कि जहांगीर सिंहासन पर बैठा है, उसके पीछे कुछ तासियां हैं, और उसको ही आप देखेंगे जहांगीर की जो आत्मकथा है उसमें दिखाया गया है। तो जहांगीर ने इसे कहा था कि भाई देखो कथा तो मैंने लिख दी, यानी इसको सजाने का काम आप लोगों का है। तो अबुल हसन ने इसकी जिम्मेदारी ली, कह सकते हैं व्यक्तियों के चित्र बनाने में काफी ज्यादा आगे थे अबुल हसन। उसके बाद एक हिंदू चित्रकार जहांगीर के समय ही काफी ज्यादा फेमस हुए, बिशन दास, बिशन दास ये भी काफी ज्यादा फेमस हुए। और एक बार एक ईरानी व्यक्ति ने जहांगीर के चित्रकार क्योंकि काफी ज्यादा फेमस थे, तो एक ईरानी राजा ने जहांगीर से रिक्वेस्ट की कि हमारे यहां भी कोई चित्रकार भेज दो। तो उसके बाद बिशन दास को जहांगीर ने ईरान भेजा, तो ईरान दरबार में गए और वहां उनके वहां भी चित्रकार को काफी ज्यादा फेमस किया बिशन दास ने। और सबसे लास्ट दौलत, दौलत जी जे थे ये अपने जो साथी होते थे जो चित्रकार, उनका चित्र बनाने में बहुत अच्छा लगता, तो साथियों का चित्र बनाते थे, या आप कह सकते हो पल में जीने वाले व्यक्ति थे। इनके पास शायद पैसा बहुत ज्यादा होगा इसलिए दौलत नाम भी, तो साथियों का चित्र ये बनाते थे। तो ये हमने देखा जहांगीर के समय कैसे चित्रकला काफी ज्यादा फेमस हुई, और जहांगीर से जुड़ी हुई चित्रकला के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कैसे कैसे जहांगीर के समय चित्रकला भारत में विकसित हुई और उसकी क्या क्या चीजें हुई। तो ये हमारा मुगल चित्रकला का जो यूनिट था वो खत्म हुआ।